क्या आपको पता है दुनिया में कैसे कंपनी भी एग्जिस्ट करती है जिसे आपके और हमारी लाइफ के बारे में सब कुछ पता है। इस कंपनी को यह भी पता है कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं और आप उन पैसों का क्या करने वाले हो। इस कंपनी की वैल्यूएशन इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश की सारी इनकम को ऐड भी कर दें तो भी इस कंपनी से कम है। और सिर्फ 32 साल पहले शुरू हुई कंपनी आज दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा मैनेज करती है। BlackRock that is cutting up to 500 jobs. What is BlackRock think for the long term? Doesn't concern himself with such trivial matter. और अगर मैं आपसे बोलूं कि दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान कौन है, बहुत लोग इलोन मस्क, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी का नाम लेंगे, लेकिन कोई और ही है जो इस दुनिया को कंट्रोल करता है। इस इंसान का नाम है लैरी फिंक और कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक। वैल्यूएशन $10 ट्रिलियन, चाइना की GDP से थोड़ा ही कम। लेकिन हम लोगों को ब्लैक रॉक के बारे में पता क्यों नहीं है? इसका सबसे बड़ा रीजन है ये सोशल मीडिया यूज नहीं करते बल्कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करते हैं। एप्पल, गूगल, मेटा, टेंसेंट, जियो जैसे हजारों कंपनीज में ब्लैक रॉक के शेयर्स हैं। लेकिन चलिए जानते हैं कैसे एक फिलियन ने इस दुनिया की मोस्ट पावरफुल कंपनी बनाई। Also began laying off staff in a sweeping cost-cutting drive. ब्लैक रॉक की शुरुआत 1988 में हुई बाय 8 एंटरप्रेन्योर्स। उस टाइम अपनी मनी को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट था। ये प्रॉब्लम मार्केट में पहले से ही थी और एक कहावत है, जहाँ पर प्रॉब्लम है वहाँ पर बिजनेस है। फिर 8 लोगों की गाड़ी आया, क्यों ना लोगों का मनी मैनेज करके उनकी हेल्प की जाए। इन सब में सबसे बड़ा नाम था लैरी फिंक। कंपनी का मेन फोकस फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट विदाउट रिस्क पर था, मतलब ब्लैक रॉक कस्टमर्स के पैसों को अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करता है जिससे कि मनी सेफ और डबल हो जाए। लैरी फिंक ने पढ़ाई तो पॉलिटिक्स की थी, लेकिन उनका इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में आ गया। जब इंसान के पास पॉलिटिक्स और स्टॉक मार्केट का ज्ञान हो वो कुछ बड़ा ही करता है। जैसे इंडिया में जेआरडी टाटा के पास दोनों का ज्ञान था और कुछ ऐसा ही लैरी फिंक ने किया। 25 साल की एज में उन्होंने फर्स्ट बोस्टन नाम की कंपनी में काम करना शुरू किया। कुछ साल तक काम करने के बाद वो बोस्टन कंपनी का चीफ ऑफिसर बन गए और उनके टेन्योर में लैरी फिंक के एक डिसीजन की वजह से कंपनी का $90 मिलियन का नुकसान हो गया। वो एक्सपीरियंस उनके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन बना। 1988 में जब लैरी 32 साल के थे, उन्होंने एक कंपनी शुरू की जिसका मेन फोकस फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्रैक्टिस को लोगों के बीच डेवलप करना। लैरी फिंक को पहले इन्वेस्टमेंट पीट पीटरसन से मिली जो अपने टाइम के बेस्ट इन्वेस्टर थे। उन्होंने लैरी फिंक के विजन पर इन्वेस्ट किया। उनकी कंपनी का नाम ब्लैक स्टोन था। पीटरसन ने न्यू कंपनी में 50% शेयर के एक्सचेंज में $5 मिलियन लैरी फिंक को दिए। कुछ महीने के अंदर ही कंपनी ग्रो होने लगी और 1992 में कंपनी का नाम चेंज कर ब्लैक रॉक रख दिया। कुछ टाइम बाद फिंक और पीटरसन के बीच कंपनी के शेयर की वजह से झगड़ा होने लगा और दोनों अलग होना चाहते थे। ये पीटरसन की लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। कंपनी को दो पार्ट में बांट दिया, ब्लैकस्टोन पीटरसन को मिली और ब्लैक रॉक लैरी फिंक को। लैरी फिंक की एक स्टोरी बहुत फेमस है। हुआ कुछ ऐसा, जनरल मोटर्स के फाउंडर के पास बहुत सारे पैसे फंस गए और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इन पैसों का क्या करें। उस टाइम इन सब चीजों के लिए लैरी फिंक बहुत फेमस थे। उन्होंने जनरल मोटर्स के फाउंडर की ये प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर दी और स्लोली स्लोली लोग उन पर विश्वास करने लगे। 1994 तक कंपनी $53 बिलियन यानी ₹4 लाख करोड़ मैनेज कर रहा था। सितंबर 1919 को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ब्लैक रॉक ने अपना IPO लॉन्च किया। अब ब्लैक रॉक पब्लिक कंपनी बन गई, सेलिंग इट्स शेयर एट $14 और उस साल के एंड तक कंपनी $160 बिलियन के एसेट्स हैंडल कर रही थी, वो भी डायरेक्टली। 2005 तक ब्लैक रॉक ने बहुत सारी कंपनीज को एक्वायर कर लिया जैसे मेटलाइफ, जेट स्ट्रीट एंड रिसर्च मैनेजमेंट। लैरी फिंक ने पिछले 32 साल में दुनिया की सबसे बड़ी एसेट्स मैनेजर कंपनी बना दी द ब्लैक रॉक, जो कि $10 ट्रिलियन को मैनेज करती है। बिलियन नहीं, ट्रिलियंस। अब जानते हैं ब्लैक रॉक करती क्या है। हर एक कंट्रीज में पेंशन फंड होते हैं, फॉर एग्जांपल डिफेंस या रेलवे का पेंशन फंड। गवर्नमेंट इन पेंशन फंड से और पैसा कमाने के लिए ब्लैक रॉक को ये सारे पैसे दे देती है। फिर ब्लैक रॉक इन पैसों को बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। इनके क्लाइंट बहुत सारे सेंट्रल बैंक और अमीर लोग भी हैं जैसे कि जेफ बेजोस। ब्लैक रॉक ने वर्ल्ड की बहुत सारी बड़ी कंपनीज में शेयर ले रखे हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल एक्सेट्रा। ब्लैक रॉक ने दुनिया की मेजर बैंक्स में भी इन्वेस्ट किया है। $10 ट्रिलियन इतनी बड़ी रकम है, अगर हम वर्ल्ड के 300 सबसे बड़े पेंशन फंड का टोटल करें तो वो $6 ट्रिलियन आता है। और एक और फैक्ट, अगर हम वर्ल्ड के टॉप 3 एसेट्स मैनेजर ब्लैक रॉक प्लस वेंचर कैपिटल और प्लस स्टेट स्ट्रीट के सारे पैसों को इक्वल करें $15 ट्रिलियन की आती है, जो कि 17% है अमेरिका की GDP का। ब्लैक रॉक वर्ल्ड की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है और ये सबसे बड़ी शैडो बैंक भी है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो द कंपनी दैट ओन्स द वर्ल्ड।
एक बार एक न्यूज रिपोर्टर ने लैरी फिंक से पूछा कि वो दुनिया के मोस्ट पावरफुल पर्सन है, उन्हें कैसा लगता है। इस पर उन्होंने अपने आप को पावरफुल या स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं बताया, बल्कि उन्होंने अपने आप को एक रेवोल्यूशनरी के रूप में दिखाया जो इस दुनिया के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं। ब्लैकरॉक दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है। इसमें कोई शक नहीं है कि ब्लैकरॉक और लैरी फिंक दुनिया को कंट्रोल करते हैं। बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये क्या सही है कि एक अकेली कंपनी $10 trillion को मैनेज करती है। मैं आपको बता दूं, ब्लैकरॉक इतने सारे पैसों को अकेले मैनेज करती है ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट, लेकिन ब्लैकरॉक इतने सारे पैसों को ओन नहीं करती, बल्कि कंपनी सिर्फ पैसों को मैनेज करती है। और किसी चीज को ओन और मैनेज करने में बहुत डिफरेंस होता है। इसको इस तरह समझिए कि एक कोई बैंक वो लोगों के पैसों को सिर्फ मैनेज करती है, ना कि ओन करती है। सेम ऐसा ही ब्लैकरॉक कंपनी करती है। अगर हम ब्लैकरॉक की नेटवर्क की बात करें तो एज पर द कंपनी की नेटवर्थ $170 billion की है। अगर हम इसका कंपैरिजन गूगल से करें, गूगल की नेटवर्थ $400 billion की है। लेकिन क्या ब्लैकरॉक इतनी बड़ी कंपनीज को ओन करता है? टेक्निकली हाँ, लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट। वे सब शेयर लैंड के होते हैं, ना कि ब्लैकरॉक। कंपनी पर एक पॉपुलर आर्गुमेंट है कि ब्लैकरॉक चाइना के साथ इन्वॉल्व है। ऑन August 2021 ब्लैकरॉक बिकम द फर्स्ट कंपनी जिसे चाइनीज गवर्नमेंट ने अलाउ किया। इसका मतलब है ब्लैकरॉक अब चाइना में भी इन्वेस्ट करेगा, इवन जो कंपनीज UN के द्वारा बैन है। ब्लैकरॉक ने अपनी चाइना में फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हाइकविजन कंपनी में की, जो कि फेस को रिकॉग्नाइज करने वाले सॉफ्टवेयर को डेवलप करती है जिसे चाइनीज गवर्नमेंट यूज करती है। और स्लोली स्लोली चाइना का इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पर बढ़ने लगा है रहा है। इसका कोई भी आंसर नहीं है कि ब्लैकरॉक गुड़ा या ईवल है, लेकिन एक चीज श्योर, लैरी फिंक ने जो काम किया वो कुछ छोटा काम। सल्यूट फॉर। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यूएबल मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।